आज आम जानिबा पानपतरर व्यवहार द्वारा केउ रोग को दूर करिपारिबा। पान द्वारा आम रोगर उपचार करिपारिबा। पानर पूजा संस्कृति पूजा आदि बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान अछि। मुख्यतः लोक खाद्य खाइबा परे खाद्य हजम करिबा पाई एवं निज मुहरे स्वाद पाई पान खाई थांति। एहा छड़ा धर्म संस्कारर क्रियारे भी एहा बिना संभव नुहे। किंतु बहुत कम लोक जानिछन्ति एहा केवल मुहर स्वाद पाई नुहे, बरम शरीर को अनेक प्रकार रोगरु मध्य बंचाई थाए। तेबे चालंतु जानिबा पानपतरर किछि औषधीय गुण विषय रे। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु एई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करि पाखरे आसुथिबा बेल र आइकन को मध्य प्रेस करंतु। नंबर वन, सर्वप्रथमे जदि आपण को पाइरिया रोग अछि तेबे आपण विभिन्न प्रकार औषधर सेवन निहाती करुथिबे। किंतु जदि आपण पानरे कर्पूर मिसाई सेवन करिबे तेबे खूब शीघ्र आपणकर पाइरिया समस्या दूर होइजिबो। किंतु आपण गोटे कथार ध्यान रखिबे, कर्पूर एवं पानपत्र चोबाइबा बेले ताहार रस को पेट भितर को नियंतु नाही, समस्त रस बाहर को बाहर कर दियंतु। पान केवल पाइरिया पाई नुहे, बरम पूरा मुह पाई लाभदायक होइथाय। कारण एथिरु किछि एमिति तत्व मिलिथाय जहा ब्याक्टेरियार प्रभाव को शेष करिदेइथाय एवं मुख दुर्गंध को शेष करिथाय। नंबर टू, जदि आपण को काश हेउछि तेबे आपण हळदी को गरम करी पानरे मिसांतु एवं एहा परे पान को चोबांतु। जदि तथापि काश कमु नाही तेबे आपण हळदी सहित जुआणी को भी मिसेई दियंतु एवं एहा को चोबांतु। आपण को जल्दी ही आराम मिलिबो। नंबर थ्री, जदि आपण को थंडा होइछि तेबे आपण पानरे अल्प लवंग मिसाई चोबांतु। एहा द्वारा थंडा जल्दी छाड़ी जाई थाए एवं आपण को आराम मिलिथाए। नंबर फोर, जो व्यक्ति को किडनी संबंधित रोग अछि सेमाने दिनरे दुई थर सकाळ एवं संध्यारे पान निहाति चोबांतु। एहा द्वारा आपणकर पेटरे आवर्जना सफा होइ जाई थाए एवं किडनीर कार्यक्षमता रे वृद्धि होइथाए। नंबर फाइव, श्वास समस्या पाई आपण पानपतरर व्यवहार करिपारिबे। एहा पाई आपण पानर तेल काढ़ी नियंतु एवं ताहाकु गरम करी नियंतु एवं एही तेल को नहीं शरीर रे सेकंतु। आपणकर शरीर रे मालिश करंतु। आपण एही उपायटी को एक मास पर्यंत करंतु। आपण यहार लाभ अनुभव करिपारिबे। नंबर सिक्स, परिश्रा कम हेबा। बहुत लोकंकर एक बड़ समस्या अटे परिश्रा कम हेबा। किछि लोकंकु अल्प मूत्र रोग होइथाय जहाद्वारा सेमानंकु पेट संबंधित अनेक रोगर शिकार हेबाकु पड़िथाय। एही समस्या बंचिबा पाई आपण पानपत्रर रस बाहर करी एहाकु पतला खीर सहित सेवन करंतु। एहा द्वारा आपणकर समस्त समस्या दूर होइजिबो। नंबर सेवेन, त्वचार चमक पाई पानपत्र बहुत लाभदायक होइथाय। पानपत्र रे किछि एमिति आंटीऑक्सीडेंट गुण रही थाए जहाद्वारा आपणकर त्वचार रंगरे परिवर्तन आसी थाए एवं आपणकर सौंदर्य बढ़ी थाए। एहा आपणकर रक्त को सफा करी व्रण भले समस्या रु बचाई थाए। नंबर एट, आपण देखिथिबे जे माने नुआ नुआ विवाह करी थांती सेमाने पानर सेवन अधिक करी थांती। कारण एहार सेवन करिबा द्वारा अधिक काम भावना जाग्रत होइथाय जहाद्वारा निज संगिनी को अधिक शारीरिक सुख दे पारि थांती। नंबर नाइन, पान आमर खाद्य हजमरे विशेष भूमिका ग्रहण करिथाय। एहा द्वारा आमर पाचन क्रिया ठीक से होइथाय। एहा आपणकु गैस भली रोगर मध्य रक्षा करिथाय। कारण पान पाचन तंत्र एवं किडनी पाई लाभदायक होइथाय एवं एहा खाद्य को हजम करिबा पाई लाळ भी बनेई थाए। एहा द्वारा शरीर अंग सफा रही थाए एवं अल्सर डर टळी जाई थाए। नंबर टेन, पानर पत्र को घरे लगाइबा द्वारा आपणकर घा जल्दी ही सुखी जाई थाए।
नंबर 11 जदि आपण को अधिक थंडा लगे तेबे आपण सही भली स्थिति रे मध्य पानपत्रर प्रयोग करि पारिबे। एहापाई आपण पानरे अल्प महु मिसांतु एवं एहार स्वाद नै चबांतु। नंबर 12 किछि लोकंक ओजन बहुत कम होइथाय, किछि लोकंक बहुत कम भोक मध्य लागिथाय। पानर नियमित भाव सेवन करिबा द्वारा व्यक्तिर भोक एवं शोष बढ़िथाय एवं से पेट भरी करी खाद्य खाई थाए। तेबे जानिले तो पानपत्र आम शरीर पाई केते लाभदायक होइथाय। तेबे आपण को ए भिडियोटी किपरि लागिला आमको निश्चय कमेंट करी जणांतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।